कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा की जा रही है। एकम सनातन भारत दल का मैं एडवोकेट अंकुर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण करने का मुख्य यही है कि अप्रैल 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो हमने अपने नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए, चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पर जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत, और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले। 5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूँ। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूंगा, और फिर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है उसके ऊपर भी एक मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूंगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलो अप कम्युनिकेशंस थी वो जब रिसीव की ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि जो चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जम्मू संभाग के लोगों को भी, एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ता को भी, एकजुट जम्मू एकम सनातन भारत दल के साथ जो भी जुड़ा रहा उन सभी को भी, आम जनता को भी, पूरे देशवासियों को भी, कि सनातन संस्कृति सभ्यता और धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल जो पॉलिटिकल व्हीकल पैन इंडिया लेवल पे एकजुट जम्मू का स्वरूप बड़ा करके हमने लॉन्च किया है, उसकी एक सफल शुरुआत हो गई है। और आज प्रेस के माध्यम से आज हम आधिकारिक तौर पर यह डिक्लेयर करना चाहते हैं कि एकम सनातन भारत दल अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री 28 राज्यों में और तमाम केंद्र शासित प्रदेशों में 400 के करीब एमपी कैंडिडेट खड़ा करेगा, जो लोकसभा 2024 के चुनावों में पूरे दमखम से लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर के संबंध में मैं आपको बताऊं, हमने पहले भी ये कंसिस्टेंट स्टैंड हमारा रहा है कि कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं। बात होगी जम्मू कश्मीर में तो केवल जम्मू के सशक्तिकरण की होगी।